ओडीआई वर्ल्ड कप और आप T20 को वर्ल्ड कप को कंपेयर कर रहे हो यार, ओडीआई वर्ल्ड कप इज द लेगेसी वर्ल्ड कप, दैट इज द ओनली वर्ल्ड कप दैट मैटर्स, बाकी सब तो उसके बच्चे पैदा हुए हैं छोटे मोटे। साउथ अफ्रीका आर द चोकर्स ऑफ द सेंचुरी, ये लोग को कैलकुलेट करना नहीं आता कितने रन चीन को, ठीक है, लोग इतने बेकार हैं लोग, वी शुड विन अ टेस्ट चैंपियनशिप, वी शुड विन अ ओडीआई वर्ल्ड कप, देन कुछ उसकी बात होगी। T20 वर्ल्ड कप की वैल्यू नहीं है बिकॉज ये रोटेशन पॉलिसी में चल रहा है, कोई भी जीतता है, ठीक है। इंडिया की तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, इंडिया जीत, लास्ट में इंग्लैंड जीत, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जीती, अरे पाकिस्तान जीत चुके हैं, ये फाइनल में पहुंचती पाकिस्तान हर बार, वेस्ट पाकिस्तान की इंडीज। टीम देखी है आपने? तो इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनली जीत लिया, आई थिंक सबको पता है। अगर आप 4-5 दिन से सो रहे हो तो शायद आपको, आपके लिए न्यूज़ होगा, बट अगर आप जगे हो, आप जाग चुके हो, तो आप हर जगह देख सकते हो न्यूज़ चैनल। अरे सपने में भी न्यूज़ आ गया विक्रम, डोंट वरी, सपने में भी न्यूज़, कोमा में जो लोग पेचल उनको भी पता चल चुका है, सपने में भी डाल दिया इन्होंने, दिस इज हाउ बिग इट इज। India is winning तो the T20 World Cup, which happens every 6 months, just to make sure India will win something. इन्होंने 80 टूर्नामेंट कर लिए हैं 6 साल में ताकि इंडिया जीत जाए, और फाइनली इंडिया जीत गया, ठीक है। जिम्बाब्वे भी जीत जाएगा, उसके बाद इंडिया जीतेगा, this like literally. अगर साउथ अफ्रीका से हम हार जाते तो फिर क्या होता, सोचो। So I think that's the thing that तो I think everyone is going gaga over the win. सब लोग बोल रहे हैं क्या विन है ये वो ऐसे वैसे, but on the 16th over आई थिंक सबने होप लूज कर दी थी कि अरे अब तो क्लासन भाई आ गए, अब तो धुन रहे हैं। एक ओवर में उन्होंने कुछ 30 रन या कुछ तो बनाए थे, 28, एंड तो उस टाइम पे आई डोंट थिंक कि एनीवन एक्सपेक्टेड, आई थिंक इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, कि हम जीत जाएंगे, बिकॉज जब तक वो क्लासन का विकेट गिरा नहीं, आई डोंट थिंक कि देर वॉज एनी चांस, बट ओके। सो कितनी अमेजिंग बॉल थी, वाइड डिलीवरी, but that's life, right? So yeah, I think you let's can't take credit for it. Huh? Go on. Yes, so okay, so I think let's talk about this win and let's be more objective about it, because everyone is like abhi jeet gaye ye ho gaya, it's like you know, like world cup ka you know, cricket world cup jeeta, the ODI world cup wo jeeta aisa lag raha hai, because I as you said ki I feel ki T20 world cup, winning the T20 world cup is a big deal, but it's not such a big deal which we are making it out right now, you know, like itne log pagal hue ja rahe hain, obviously there are emotions attached to it, bhai bhooke nange hain, kuch nahi mila abhi tak, isliye jo T20 world cup jeeta to hum sochte hain ki jeeta kaise, acha australia jeeti 2 saal pehle, but like how did australia win, they were not even playing good last year, england won, how did it win before odi world cup, 5 saal wait karna padta tha aapko, theek hai, yahan pe 6 mahine wait karna padta hai, और उसमें भी रैंडम टीम जीतते हैं, ओडीआई सच अ रैंडम सिचुएशन, सॉरी T20 सच अ रैंडम सिचुएशन, सो या आई मीन, बट ठीक है भाई, अब एज आई सेड कि भाई कुछ नहीं मिला 17 साल से, तो 2011 से तो 0-0 नील बटा सन्नाटा है यहाँ पे, तो देर हैप्पी, कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई। No, no, we are also happy. I also posted that day. Maine bhi status lagaya, sab kuch kiya. Now, since we have won this World Cup after 13 years, I mean, of any ICC टूर्नामेंट आफ्टर 13 ईयर्स, वी हैव बिन चोकिंग इन सो मेनी फाइनल्स, सेमी फाइनल्स, जो भी है, मतलब नॉकआउट गेम्स आते ही हमारे यू नो प्लेयर्स कांपने लगते हैं। इवन इन दिस मैच इफ यू सी, वी वेर 30-3 इन द बिगनिंग, एंड दिस हैज़ बीन द ट्रेंड ऑल द टाइम, कि वो पहले ही हार जाते हैं, हम पहले ही एक घंटे में फाइनल्स या नॉकआउट मैच हार जाते हैं, बट नाउ सिंस वी हैव वन दिस, नाउ सिंस वी हैव ओवरकम आवर you know, fear of losing. So, do you think that the tag of chokers, the chokers of the decade, which we were called, is that tag removed? Wo tag ja chuka hai, ya you still think that kuch to, you know, like it's too early to say? See, normally people like to sit on the fence, means ki wo idhar bhi dekhenge, udhar bhi dekhenge, being very positive. I'll tell you very certainly. Bilkul certain. Only two things I've been very certain in my life. One is about my divorce, because I really wanted to get rid of that person. Then she got rid of all my money. It didn't work out very well. And the second thing about India ka choker tag gaya nahi hai. Wo abhi bhi wahi chipka pada hai. Theek hai? Jaise Manchester United mein pe chipka hua hai na yahan pe. Kuch nahi karte, phir bhi chipka hua hai. Meri ye upar nahi, ye andar bhi mere chipka hua hai yahan pe. Theek hai? Now, ek baar batao Vikram. Tum mere ko batao. Agar tum har kisi se pit ke aate ho. Tum mein log bolte ho, tum har kisi se pit ke aate ho. Phir tum ek din jaate ho. तुम 11th क्लास में हर किसी से पिट के आते हो, 12th क्लास में हर किसी से पिट के आते हो, फर्स्ट ईयर कॉलेज में हर किसी से पिट के आते हो अपने बंदों से, फिर थर्ड ईयर में सब जगह पिटते हो, फिर एक दिन 25 साल के जब होते हो आप, तो किसी 5 साल के बच्चे को पिट के आते हो, तो आप विनर बन जाते हो। साउथ अफ्रीका आर द चोकर्स ऑफ द सेंचुरी, ये लोग को कैलकुलेट करना नहीं आता
कितने रन चीन को, ठीक है, लोग इतने बेकार हैं लोग। इंडिया में, इंडिया को जिताने के लिए आईसीसी ऐसा इंश्योर करता है कि पाकिस्तान के साथ मैच हो, बिकॉज पाकिस्तान तो सबसे बड़े चोकर है, वो तो हारना ही हारना है, ठीक है, फिर ये क्वालिफाई तो करेंगे सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। ओनली टाइम इंडिया हैज नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम अ टूर्नामेंट व्हेन इंडिया डिड नॉट प्ले पाकिस्तान, रिमेंबर दैट 2007 व्हेन द्रविड वाज द कैप्टन। अभी लोग द्रविड के गाने बड़े गाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश से पिट के आए थे, बांग्लादेश से पिट के आए थे हम वहां पे, ठीक है, हम फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं करे। उसके बाद उन्होंने मेक श्योर किया सारे टूर्नामेंट ऐसे बने कि इंडिया क्वालिफाई जरूर करे। अब ये प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये इंडिया फाइनल में खेल रही है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को तो हम हरा नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने मेक श्योर किया कि साउथ अफ्रीका को सारी पिचेस ऐसी मिले कि सारे जो घटिया बॉलर हैं, कि जो नोकिया पिछले एक साल से छक्के पे छक्के छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, वो नोकिया शुड बिकम लाइक बुमराह का भी पापा। तो दे मेड श्योर कि वो सम हाउ किसी तरह फाइनल में पहुंच जाए, कुछ भी हो ये फाइनल में पहुंच जाए। और दे इंश्योर कि अगर इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी ना, तो इंडिया वुड हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एट दैट टाइम, तो इंडिया को कोई प्रेशर नहीं होगा। जब प्रेशर नहीं होगा तो इंडिया को परफॉर्म करती है भगवान की तरह। उस दिन उन्होंने पेल दिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। देन फाइनल में आए चोकर्स नंबर वन। इंडिया इज नोन फॉर चोकर्स ऑफ द डेकेड, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 13 ईयर्स, और साउथ अफ्रीका द चोकर्स ऑफ द सेंचुरी। भाई हर चीज चोक करते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है, अगर आप बच्चे को पीट के जीत गए उससे, तो आप चोकर्स का अटैक कैसे हट गया? चोकर्स का अटैक, विक्रम, इन सिंपल टर्म पीपल आस्क कि चोकर अटैक कैसे हटेगा? अगर अगले वर्ल्ड कप फाइनल में, अगर वो भी T20 नहीं, चलो T20 ले लो तुम, तो ODI में या टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हो, तब मैं बोलूंगा आपका चोकर्स अटैक हट गया। वो भी टेम्पररी हटेगा, बिकॉज अगली बार फिर से पिट सकते हो आप। लेकिन एक बार हराओगे ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में, या फिर टेस्ट चैंपियनशिप में अगर इंग्लैंड फाइनल में जाएगी, वो तो जाएगी नहीं, या ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जाएगी, तो आप जाके वहां पे लॉर्ड्स में उनको पीटोगे, तब मैं बोलूंगा कि तुम्हारा चोकर चैक हटा है। बिकॉज ये कोई चोकर चैक थोड़ा हटा है, आप तो बच्चे को पीट के आ गए हो, तो पीटना ही था। उससे भी आप हारने वाले थे। इमेजिन ये हार लास्ट 4 ओवर तक, एज यू सेड कि वो हारने वाले थे, इमेजिन दे वुड हैव लॉस्ट दैट मैच आल्सो। उसके बाद तो धक्के मार मार के रिटायर करना पड़ता है, ठीक है। बट तुम कन्वीनियंटली इंग्लैंड का नाम नहीं ले रहे हो। वी बीट इंडिया बीट इंग्लैंड इन सेमीज, राइट? सो वो भी तो दे वर द डिफेंडिंग चैंपियन, राइट? सो व्हाई आर यू नॉट काउंटिंग दैट? व्हाई आर यू डिस्काउंटिंग दैट? हां, इट्स अ फेयर पॉइंट, राइट? फेयर पॉइंट, बट सेमीफाइनल इज नॉट द बिगर प्रॉब्लम। द फाइनल इज द बिगर प्रॉब्लम, एंड दिस इज T20, दिस इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ठीक है। अब पिच वो दी थी जो इंडिया को सूट करे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, इंग्लैंड इज नॉट द सेम टीम। डू यू जस्ट रिमेंबर, दे माइट हैव बीन चैंपियन, बट वी आस्क ये जीत कैसे गए वहां पे? उसके बाद ओडीआई ओडीआई में जब इनके क्या हुआ था इंडिया में, यू नो क्या हुआ था, सब कुछ बुरे हाल, पिट पुटा के आए हैं। एंड इंग्लैंड का रिकॉर्ड क्या है अभी राइट नाउ? द लास्ट 12 मैचेस दे प्लेड अगेंस्ट एनी जेन्युइन टीम, दे वन ओनली 3 एंड हैव लॉस्ट 9, ठीक है। दिस इज नॉट अ वर्ल्ड चैंपियन टीम। इनका कॉन्फिडेंस इतना लो था, स्कॉटलैंड इनको 90 रन मार दिया 10 ओवर में, वो तो बारिश हो गई। ऑस्ट्रेलियन को धो दिया था, इन्होंने जीता किसके अगेंस्ट है? तो वेन दे कम अगेंस्ट इंडिया, England is not the same team anymore. So yes, they did beat England at the base level, I would say. They didn't choke at the worst situation. But in the final, if England was there, or Australia was there, or a really big team was there, they wouldn't have beaten them. So yes, fair enough. I give credit where credit is due. But right now, that was the most crunch match, and England were not the England of the old. Right now, England is on a decline. Abhi is match ke baad dekhna, abhi tournament ke baad, kitne log ko bola jayega, bhai sahab, bye bye, bye bye, bye bye. ओके, सो नाउ देर इज सो मच हिस्टेरिया, इतने विक्ट्री परेड चल रहे हैं, एंड इतने बड़े बड़े यू नो लाइक बातें हो रही हैं, इतने रील्स बन रहे हैं। सो नाउ डू यू थिंक दैट ये जो विन हुआ है, इट ट्रम्प्स द लॉस जो हमने 6 महीने पहले, नॉट इवन लॉन्ग बैक, 6-7 महीने पहले जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो लॉस हुआ था, उसको ओवरकम कर सकता है ये जो विन है, जो T20 वर्ल्ड कप का जो विन है? अच्छा, नाउ यू आर सेइंग दिस वे दैट यू नो कि आपको, आप काम करते थे इलॉन मस्क के लिए टेस्ला में, उधर से आपने परफॉर्मेंस आपका रहा बेकार, तो टेस्ला से बोला कि आप निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद आप आए बॉम्बे में, और आपने किसी चीक टी साइड में गए, स्टारबक्स खुला था अंधेरी में, वहां आपको वेटर का जॉब मिल गया। तो आप कह रहे हो बराबर हो गया, एक जॉब छूटा दूसरा जॉब मिल गया। तो ये ऐसे, दिस इज हाउ इक्वेटिंग दिस, ठीक है ना? T20 वर्ल्ड कप होता है हर 6 महीने में, वो होता है रैंडम, सिक्के उछालो, जैसे पेनल्टी होती है ना उसमें, अपने उसमें फुटबॉल में, इट्स ऑन लक, प्योर लक, किसी का चला गया सीनियर, पीपल से ओ वेरी गुड पेनल्टी, बट अगर उस साइड पे भाई साहब जंप मार दिया था गोलकीपर ने, तो बड़ा बढ़िया पेनल्टी होती, ठीक है। मे बी माई एग्जाम्पल वॉज एग्जैजरेटेड, बट माई पॉइंट इज स्टिल द सेम। आप T20 कभी ना कभी रोल ऑफ द राइस आप जीतने ही वाले हो, उसमें भी अगर वो बाहर जाती हुई बॉल पे, नाउ बिकम वेरी ऑब्जेक्टिव, जिसको क्रिकेट समझ में आता है, द हैपेंड व्हेन 4 ओवर में सिर्फ 24 रन चाहिए थे, कोई भी टीम वो रन बनाती, और द वे एज यू सेड वो 1 ओवर में 24 रन बना चुके थे, उससे भी ज्यादा। द पॉइंट इज कि बुमराह ने उनको चोक किया उस ओवर में, 2 या 3 रन गए उस ओवर में, ठीक है, 17 ओवर में। अगले ओवर में आए मिस्टर पांड्या, अब सब लोग पांड्या को चाट रहे हैं कि उसने विकेट लिए, दोनों किस बॉल पे लिया, इतनी बाहर बॉल थी, वाइड जाने वाली थी,
भाई किस्मत से निकल गई, आउट हो गया, इजी डीजी कैच। और जिस बॉल पे डेविड मिलर को आउट किया लास्ट बॉल पे, इतनी गंदी फुल टॉस भाई, इतनी गंदी हाथ से स्लिप हो गई थी उसके, और उसने डेविड मिलर घुमा दिया बैट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, और वो स्काई ने एकदम ब्लाइंडर कैच ले लिया उस टाइम पे, जो बिकॉज स्काई एज आई ऑलवेज टेल यू ही इज द कूलेस्ट गाय, ही डजंट गेट अंडर प्रेशर, वो आउट हो जाएगा, कोई भी आउट होता है, पर प्रेशर नहीं था, चिल चुईंगम चबाते चबाते उसने कैच कर लिया, बाहर गया, अंदर आया, पीपल कूल, वो छक्का जाता है उस पर, ठीक है, वो भी हार्दिक की विकेट हो गई। एज यू नो किस्मत बहुत ज्यादा काम करती है उस चीज में, इंडिया ने कोई ओवर चोक नहीं करा है, इंडिया ने कोई चीज बदली नहीं है। और बाय द वे कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ओडीआई वर्ल्ड कप और आप T20 को वर्ल्ड कप का कंपेयर कर रहे हो यार, ओडीआई वर्ल्ड कप इज द लेगेसी वर्ल्ड कप, दैट इज द ओनली वर्ल्ड कप दैट मैटर्स, बाकी सब तो उसके बच्चे पैदा हुए हैं छोटे मोटे, ठीक है, बिकॉज ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है 1975 से, एंड ओडीआई वर्ल्ड कप वॉज द रीजन वाई इंडिया इज वॉट इट इज राइट नाउ। अगर हम 1983 में वर्ल्ड कप नहीं जीते ना, तो क्रिकेट का वो चीज नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, वो चीज का मतलब 1% भी नहीं होता, और पूरा क्रिकेट चेंज हो गया उस बात से, ठीक है, वो जो कपिल देव ने करा था उस चीज को, कपिल देव की टीम ने, तो उसी सब कुछ हुआ है। ओडीआई वर्ल्ड कप इज द एपिटोम ऑफ वर्ल्ड कप, इट यू हैव टू वेट फॉर 5 years, 4 years, पहले 5 साल भी वेट होता था 87 का 92, बट उसके 4 साल गए बिकॉज पीपल वॉन्टेड अर्लियर, बट 4 साल वेट करके वो चीज आती है, पीपल हैव बीन प्रेपिंग फॉर इट, बट जो चीज अगर पिछले 3 साल में 3 बार हो गई है, उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गुड थिंग दैट कि कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया है कि कुछ तो जीत गए, बिकॉज अगर आप हार हार के कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है, एज यू आर सेइंग अर्लियर, ठीक है, विराट कोहली ट्राई कर रहा है, बट ठीक है, गुड मैच इज समथिंग नॉट वेर यू ट्राई, द गुड मैच इज वेर यू ब्लडी विन, एंड दे डिड विन एट द एंड ऑफ द डे, वो जीते हैं इस चीज को, तो होपफुली फ्रॉम हियर वी कैन टेक समथिंग, एंड वी कैन, वी आर नॉट लूजर्स एनी मोर, एंड राइट नाउ हमें लगेगा एटलीस्ट नेक्स्ट मैच जाने के लिए, सो वी शुड विन अ टेस्ट चैंपियनशिप, वी शुड विन अ ओडीआई वर्ल्ड कप, देन कुछ उसकी बात होगी, T20 वर्ल्ड कप की वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये रोटेशन पॉलिसी में चल रहा है, कोई भी जीतता है, ठीक है, इंडिया की तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, इंडिया जीत, लास्ट में इंग्लैंड जीत, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जीती, अरे पाकिस्तान जीत चुके हैं, ये फाइनल में पहुंचती पाकिस्तान हर बार, वेस्ट इंडीज टीम देखी है आपने, वेस्ट इंडीज कितनी बार, ठीक है, रिमेंबर द स्टोक्स के उसमें 5 छक्के फेल दिए थे उसने बंदे ने, मैं गुड़गांव में बार में बैठ के देख रहा था उसको, आई थिंक 6-8 साल पहले कुछ, ठीक है, सो ओडीआई T20 वर्ल्ड कप इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, उसमें कुछ भी होता है, लॉटरी टाइप है, वो लॉटरी इंडिया की लग गई, इंडिया हारने वाली थी मैच भी, ठीक है, एज यू सेड कि 3 विकेट गिर गए थे 30 रन पे, और विराट कोहली ने बनाए थे 50 रन 48 बॉल्स पे, लास्ट में 2-3 लग गए अच्छे खासे उसके, जो बन गया, पर अदरवाइज हमारी लगने वाली थी, तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग टू विन, बिकॉज विनिंग इज मच बेटर देन लूजिंग, बट उसके बाद जो आगे कुछ होगा उससे डिफाइन करेंगे, राइट नाउ इट्स जस्ट लाइक यू नो छोटी सी चीज मिल गई, आपकी टेस्ला में जॉब छूटी और आपकी स्टारबक्स में जॉब मिल गई आपको, ठीक है, टेबल साफ करने की, दैट्स हाउ आई क्विट, सो दैट वाज माय आंसर, ओके, तो कमिंग बैक टू द विन, चलो ठीक है, विन जो भी हुआ जीत गए, इट्स अ गुड थिंग, नाउ इट्स अ गुड थिंग, नाउ दे से दैट सक्सेस हैज लॉट ऑफ फादर्स एंड फेलियर हैज नन, सो टॉकिंग अबाउट सक्सेस, हु डू यू थिंक इज द फादर ऑफ दिस सक्सेस, लाइक कौन सा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था इस विन में, देर हैव बीन मेनी मोमेंट्स, हार्दिक पांड्या के पे विकेट मिला, बुमराह के बॉलिंग पे ये हुआ, देन विराट कोहली गॉट द मैन ऑफ द मैच, so according to you, if you have to give the man of the match to someone, who will you give it? Are you talking about only the final match? Only the final match, yes. See, the final match, the man of the match for me, and people can disagree because it's subjective, but very objectively I'm telling you my opinion, that ki I don't even fucking care for any of these people. I don't care for Bumrah, I don't care for Kohli, I don't care for anybody. And I've loved Kohli and I believe Bumrah is an amazing bowler. But main kisi ke liye koi mera pyar nahi hai. Agar kisi ka soft spot hoga team mein, wo hai mera Sky ke liye. Mera Rishabh Pant ke liye bhi koi spot soft spot nahi hai. Har koi iski chaate ja raha, chaate ja raha, chaate ja raha. Jab se wo injury se wapis aaya hai. Aray bhai, lying near death experience, ye wo blah blah blah. Bhaiya, आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आपको 100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं जब से आप इंजरी में दिए आपके, तो मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है आपके पास, यहाँ लोग सड़क में मर रहे हैं, उनको सारा कुछ, उनको डिस्पिन खाने के पैसे नहीं है, सो आई हैव नो सिंपैथी, बट द फैक्ट इज दैट फॉर मी इन जय जेन्युइननेस द इंडिया द पर्सन हु वन अस द मैच वाज जसप्रीत बुमराह, ठीक है, विराट कोहलीज इनिंग्स टुवर्ड्स एंड आफ्टर पर्टिकुलरली लास्ट 7 बॉल्स दैट ही प्लेड विच वर वेरी यूजफुल एंड देन ही डिड नॉट गेट आउट अर्लियर विच वॉज यूजफुल, बट द पर्सन हु वन इज द मैच वो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब हम मैच हार गए थे 4 ओवर में 24 रन जीते, जसप्रीत बुमराह आया उसने ओवर में 2 या 3 रन कुछ दिए, ठीक है, उससे हो गया चोक, इनको लग गया डर, तो अगली बैचेसी बॉल से बाहर डाली, उसने मारने की कोशिश करी थी छक्के के लिए, बिकॉज घटिया बॉल थी, बट लगी नहीं उसके हाथ से और वो आउट हो गया, जैसे ही वो आउट हुआ तो प्रेशर आया, वो जो प्रेशर बिल्ड हुआ था वो बिल्ड हुआ था जसप्रीत बुमराह के, अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने क्या अमेजिंग इन डिपर मारी, क्योंकि क्लीन बोल्ड कर दिया भाई साहब ने उसको, उसके बाद तो मैच पूरा पलट ही गया उसके, उससे पहले भी जसप्रीत बुमराह शुरू में जो ओवर करे थे 2 ओवर कितने अमेजिंग ओवर करे थे, ठीक है, सो ओवरऑल आई फील
कि पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जसप्रीत, वो तो आप स्कोर देखे, वो स्टैट्स के हिसाब से होता है ना कि उसने 76 रन बनाए प्लस का लास्ट मैच है, तो इट्स लुक्स गुड, इट सेल्स मोर एज वेल, ठीक है, तो उन्होंने इसको दे दिया. बट जसप्रीत बुमराह वॉज द मैन ऑफ द मैच, एज ऑब्वियसली पीपल नो दैट ही वॉज ऑल्सो द मैन ऑफ द टूर्नामेंट बाय अ कंट्री माइल. लाइक कि भाई कोई राइट, आस पास भी नहीं आया उसके, कोई आस पास भी, चार की बिकॉज इकॉनमी में आई एम बॉलिंग कर द, रहा था बंदा। हाँ, 4 साढ़े 4. लाइक मेरे को लगता था कि जसप्रीत बुमराह को ना, लाइक बिकॉज जो वो टेस्ट मैच के लिए खेलता नहीं है ना, शादी का ब्रेक लेता है, बच्चे का बर्थडे का ब्रेक लेता है, या हॉलीडे लेता है जब भी टेस्ट मैच होते हैं, तो आई एम बीइंग वेरी इरिटेटेड बाय दिस गाय. एंड आई फेल कि जैसे ही जसप्रीत बुमराह आता है सब लोग उसे चाटने लग जाते हैं, चाटने लग जाते हैं, दे आर लिकिंग हिज बॉल्स. तो मेरे को बहुत इरिटेशन लगता है. बट टू बी वेरी फेयर, आई वॉच्ड द होल टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह एवरी सिंगल डिलीवरी. बंदा ऐसा पक्का है कि बंदा बंदा सोच के आया चीज की कैसे बॉल करनी है, इतनी मेहनत करके आया है. वो कह रहा है कि तुम, मैं यॉर्कर में डालूंगा, तुम मेरे को यॉर्कर मारने का सोच रहे हो प्लान, मैंने यॉर्कर नहीं डालूंगा, मैं अपनी बेस्ट बॉल नहीं बॉल करूंगा तुम्हें, करो तुम क्या करना है, तुम यहां मारोगे वहां बॉल करूंगा, मेरे को पता है तू कहां मारेगा मैं यहां करूंगा, तू ये सोच रहा है ये करूंगा ये करूंगा. आई मीन दिस इज समथिंग अ दिमाग बॉलर. आई मीन इट लिटरली रिमाइंड यू, अगर आप वसीम अकरम, जो लोग जानते नहीं होंगे अब तो उसको, वसीम अकरम एंड वकार यूनिस का अगर कॉम्बिनेशन करोगे ना, जो बॉलर निकले अगर मेगरा को डाल के, तो ये भाई साहब निकलेंगे, इतने अमेजिंग है ये इस टूर्नामेंट में. अगली बार अगर बेकार परफॉर्म करेगा तो मैं बोलूंगा बेकार परफॉर्म कर रहा है. यू कैन नॉट जस्ट कीप प्रेजिंग समबडी बिकॉज पहले अच्छा करता था, पहले अच्छा करता था. लाइक इफ विराट कोहली ड्रॉप्स अ कैच, ओ माई गॉड ही नेवर डज दैट. बट अगर कोई नॉर्मल नया बंदा, अनबिलीवेबल दिस वॉज एन ईजी कैच, हाउ द हेल डिड ही ड्रॉप इट. अगर विराट, अगर धोनी तो ऐसा हो गया था कि नॉर्मल रेगुलेशन कैच भी लेते हैं ना विकेट कीपिंग, वाह आई हैव नेवर सीन अ कैच लाइक दिस, तो भैया और चाटना गैजम बंद होने करो. लगता बट है। बुमराह ऑर्गेजम होने लगा. अरे बुमराह तो, बुमराह वाज मैन ऑफ द मैच बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ बुमराह दैट वी वॉन द मैच. सो मैन ऑफ द मैच समबडी शुड बी दैट हु वन द मैच, ठीक है. विराट इनिंग्स इंस्ट्रूमेंटल बिकॉज वी हैड लॉस्ट 3 for 33, सो ही हैड गॉटन आउट दैट टाइम, आई थिंक वुड हैव डेफिनेटली बीन वर्स. बट जो बुमराह ने मैच जिताया ना हमें उस ओवर में, 17th ओवर में उसने जिताया, उसके बाद 19th ओवर से फिर से ओवर रन नहीं दिए, पूरी बंबू कर दी उनकी. तो दैट्स वेर वी वन द मैच. वो लास्ट में 16 रन चाहिए था उस पिच पे यार, तुम 16 रन और 2-3 विकेट बाकी है उनके, कैसे बनाओगे यार तुम 16 रन. उसके बाद फुल टॉस दे दी, राइट उसके बाद मेरेकल कैच भी हो गया. तो मतलब टेक्निकली बुमराह, यस बुमराह, नो डाउट फॉर मी. नो डेफिनेटली, मुझे भी यही फील होता है कि बुमराह, बिकॉज अगेन T20 इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट राइट, नॉट अबाउट स्टैट्स। सो द इम्पैक्ट ऑफ हिज दोज 4 ओवर्स वेर ग्रेट, एंड आई थिंक वही हुआ कि दे वर गिविंग हिम द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो उनको लगा कि चलो एक उसको कोहली को भी दे देते हो, तो वो मतलब थोड़ा बैलेंस आउट हो गया। अब दोनों दे देते तो वो भी चलता, बट लाइक कोहली का लास्ट था एंड ही मेड द यार वो 74। सेलिंग के लिए तो बेटर रहता है ना, सेलिंग के लिए बेटर है. विक्रम टीआरपी बढ़ता है उससे, उसका नाम आया, तो हम बात उस बारे में पॉडकास्ट कर रहे हैं, 10 लोगों ने और पॉडकास्ट किया था उसके बारे में, तो उससे राइट फर्क पड़ता है. अगर ये डाइवर्सिफाई करते हो तो बेटर है. प्लस देवर गिविंग इन द बिगर वन एनी वे, सो यू वोंट हैव हाँ केयर्ड. एंड प्लस कोहली का लास्ट था तो पार्टिंग गिफ्ट तो देते हैं, सुवीनियर तो डालना ही पड़ता है. इनफैक्ट टू बी ऑब्जेक्टिवली विराट कोहली वॉज थर्ड ऑन माई लिस्ट, सेकंड वर अक्षर पटेल. आई नो अक्षर को थोड़े पड़ गई थी बॉलिंग करते हुए, बट जब विराट खेल रहा था इतना गंदा, विराट ने 40 बॉल पे 32 रन जैसे कुछ बनाए थे बीच में, ठीक है. बिकॉज शुरू में से 5 बॉल तो 17-18 रन थे उसके. हाँ अगर दूसरी साइड पे अक्षर पटेल वो चीज नहीं करता जो अक्षर पटेल कर रहा था, तो इंडिया लिटरली 111 रन बनाती, और ये पाकिस्तान तो है नहीं, ये 111 भी नहीं बनते उनसे, ठीक है. राइट राइट तो जो अक्षर ने किया ना आगे आके, एंड द वे हिज बॉडी लैंग्वेज, आई टेक यू ऑन. एंड बाय द वे अक्षर एज ही सेज कि उसको बताते भी नहीं है, वो पहले जब विकेट गिन लेते हैं उसको लगता है कि वो बुला रहे हैं, देखता है हाँ हाँ आ जा आ जा, ठीक है. तो वो रेडी भी नहीं होता है टेक्निकली, बट वो मेंटली शार्प है बंदा. लाइक ही इज अ टिपिकल राइट लाइक जेन्युइन जेन्युइन प्लेयर, की सॉलिड है बंदा. तो आई वुड फील कि बुमराह नंबर वन कैंडिडेट, नंबर टू कैंडिडेट वाज अक्षर पटेल, नंबर थ्री कैंडिडेट वॉज विराट कोहली, ठीक है, ऑन दैट लैडर. तो बट उन्हें विराट को दे दिया, विराट का लास्ट मैच था, बिग प्लेयर है, टीआरपी बढ़ते हैं, तो मेक सेंस राइट, ठीक है, दे दो दे दो. सो ओके, सो आई थिंक या दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट फेज और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द T20 एरा फॉर इंडिया एटलीस्ट, कि नया कैप्टन कौन बनेगा। आई नो अभी शुभमन गिल है, बट टुडे दे आर प्लेइंग जिम्बाब्वे, बट आई थिंक ही इज जस्ट अ टेम्पररी कैप्टन। बट हु डू यू फील इज द नेक्स्ट रोहित शर्मा इन T20s? आई मीन इतना मोटा होना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर मोटापा मेन क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर मोटापा इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर मोटापा ही क्राइटेरिया है तो फिर ऋषभ पंत को बना सकते हैं, बिकॉज उससे बड़ा तो मोटा कोई है नहीं. लेकिन लेट्स नॉट मेक ऋषभ पंत द कैप्टन. एंड सी बिकॉज लॉजिकली आई थिंक द क्वेश्चन में पूछा है, तो वो एक्चुअली नॉट इवन अ क्वेश्चन राइट नाउ, बिकॉज अगर आपने किसी को वाइस कैप्टन बनाया था, अगर आपने किसी को बॉम्बे की कैप्टनसी दे दी है एमआई की, एज आई मीन,
एंड जिसने दो जीटी को दो सीरीज में एक बार फाइनल में जिताया और एक बार लास्ट बॉल में वो भी जडेजा की अमेजिंगनेस से हार गए. ऑल्दो एंड लास्ट ईयर दिस ईयर आईपीएल में बहुत बुरा रहा बॉम्बे के साथ, बट सेम थिंग हैज हैपेंड विद रोशा ऑल्सो. ठीक है, एंड नाउ ही इज अ राइट वाइस कैप्टन ऑल्सो एंड ही परफॉर्म वेरी वेल. सो आई थिंक लॉजिकल एवरीथिंग इज पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ हार्दिक पांड्या ओनली, बिकॉज उन्होंने भी वही सोचा हुआ है. एंड आई थिंक एट द बिगिनिंग हार्दिक पांड्या ही बनेगा अंडर समथिंग गोज एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड दे विल राइट स्टिक विद हिम फॉर द लाइक यू नो एटली द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. T20 तो मेरे ख्याल से 4 दिन में फिर से होने वाला है तो, और ODI वर्ल्ड कप भी आ ही जाएगा इवेंचुअली. ठीक राइट है, तो तब तक तो वेट करेंगे ही इसको वंस दे गिव हिम. नाउ ही इज आई थिंक हिट 30 or 31 मैक्स, राइट? सो ही हैज लॉट ऑफ, दिस इज लाइक आफ्टर 30 to 35, दोज आर योर गोल्डन ईयर्स, राइट? प्लस राइट वन गुड थिंग, ही स्टार्टेड बोलिंग वेल एंड बोलिंग इन फैक्ट, एंड ही बोल्स एट 140+. एंड उसका एक तरीका है, ही इज नॉट द ग्रेट बॉलर, बट उसको मालूम है कि मैं स्मैश करूंगा, इधर उधर मारूंगा, मैं करूंगा. उसको एक तरीका है बोलिंग करने का एंड उस बंदे में एटीट्यूड है. आई थिंक इफ ही कंट्रोल राइट इज लाइक शिटी एटीट्यूड विच समटाइम्स हैपन, बट अदरवाइज वाइल ही वॉज फॉर जीटी, अगर लोग नेहरा को क्रेडिट दे रहे हैं नहीं रहे, बट आई यूजली नो दैट हम लोग को बिल्कुल भी पांड्या पसंद नहीं है. आई हेट पांड्या, बट टू बी वेरी फेयर टू हिम, ही वॉज लाइक आई हेट दैट गाय, बट अभी थोड़ा सेटल हो गया है. आई थिंक ही इज बीन वेरी गुड, बट आई डिड नोटिस दैट कि जब बॉम्बे अच्छा नहीं खेल रही थी तो ही वॉज ऑल्सो, MI अच्छा नहीं खेल रही तो ही वॉज ऑल्सो लूजिंग इज लिटिल बिट. बट आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, लोग गालियां दे रहे हैं, गालियां लाइक दे रहे हैं। बेहूदा हाँ बातें बोल रहे हैं उसके लिए. एंड देन लाइक तो उसकी जूती है, उसके बॉल से भी तो छोटा है, क्या क्या बकवास कर रहे थे. आई मीन दैट इज जस्ट टू मच, एंड 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 यू कॉन्ट कंट्रोल इट, बट दिस इज पार्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. इट्स नॉट जस्टिफाइड, इट्स नॉट फेयर, बट इट इज वॉट इट इज. यू नो दुनिया आपके हिसाब से नहीं राइट चलेगी, बट द वे इंडिया वन, द वे एवरीथिंग हैपेंड ऑन द पॉजिटिव नोट, ही परफॉर्म विद बॉलिंग. And then towards the end, he's the one who got the final 2 wickets. He got the class, and now he got Miller out. So I think I really don't see anybody else becoming the captain. But I think only thing I want is now ki once he becomes the captain, I don't think it will change anyway. But I think we should stop playing people on legacy. We need to say ki भाई आप कोई भी अगर आप perform उतना level पे नहीं कर रहे हो तो बाहर भी बंदा बैठा हुआ है, उसको भी तो राइट खेलना है यार. अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपकी बैटिंग आती है, आपको लेते हैं टीम में. आप परफॉर्म नहीं करते तो कहते हैं ये परफॉर्म करेगा, हम वेट करेंगे इसका. तो भाई उसको कब बैटिंग आएगी? अब हम हर किसी का 17 साल रिटायरमेंट का तो वेट नहीं कर सकते. ठीक राइट है राइट कि भाई अब रिटायर हो तभी कोई आएंगे. तो मतलब वी नीड टू गिव, बिकॉज सैमसन, अगर दो सैमसन की बात करें, कह रही है ऑल्दो टू बी वेरी फेयर टू सैमसन, सैमसन मेरे मेरे को चांस नहीं मिलते. भाई आपको जब भी चांस मिलते हैं आप फ्लॉप हो जाते हो. द प्रॉब्लम है कि उसको 2 चांस मिलते हैं, 3 चांस, आप हर 2-3 में फ्लॉप होते हो. बट अगर विराट कोहली को आप 7 चांस दे सकते हो तो आप सैमसंग को भी 7 चांस दो, तब देखते हैं. अगर 7 चांस फेल होता है तब निकाल दो, बट हमेशा उसको 2 चांस देते हो, राइट हमेशा उसको लगता है कि भाई मेरे को इसमें बनाने रन बनाने, वो उससे फेल हो जाता है. हर बार मैं 5 बार देख चुका हूँ सैमसंग को 2 चांस देते, दोनों में फेल होता है वो, जब भी खिलाते फेल हो जाता है. बट अगर हम राइट कोहली को और इसको 7 चांस दे सकते हैं, इसको 7 चांस दो, उसके नहीं बनाएगा तो बोलो कि ठीक है भाई आप किसी और खिलाएंगे, तो आप 7 चांस बहुत होते हैं. आई थिंक दुबे इज ऑल्सो बिट ओवर रेटेड, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दुबे राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक उसका थोड़ा पर्सनैलिटी वो मारता लंबे है, बट आई थिंक थोड़ा सा मेरे को लगता है उसको प्रेशर हो रहा है बंदे को. एंड आई डोंट वांट पीपल हु फील प्रेशर, वी वांट पीपल लाइक जो सूर्य कुमार की तरह हो. एंड वी नीड 3 सूर्य कुमार, बिकॉज सूर्य कुमार टेक्निकली द वे ही प्लेज वो एक टीम में से एक मैच में पक्का चलेगा, बट वी नीड 3 2 मोर ऑफ सूर्य कुमार देयर, जो कि आए भाई लपेटा स्टार्ट हो जाए दोबारा दोबारा, तब हम जीतेंगे. बिकॉज ना प्रेशर ऊपर वालों पर नहीं होगा फिर, अभी सारा प्रेशर सूर्य कुमार पे ही है. सो हार्दिक पांड्या नो डाउट, आई रियली डोंट सी एनीबडी एल्स कमिंग इन. डू यू सी दिस लाइक एनी होप फॉर एनीबडी एल्स? आई मीन ऋषभ इज द ओनली वन, राइट? नो आई थिंक ऋषभ का तो आई फील कि T20 करियर भी जेपर्डी में है इन माई ओपिनियन, बिकॉज द नेक्स्ट कोच इज़ अवर गंभीर दादा, एंड गंभीर दादा डजेंट बिलीव इन BS. सो एंड एक्चुअली ही हैज़ आई थिंक द बिगर ऑलरेडी क्वेश्चन इज दिस, हु इज़ द कोच कोच. कौन बनेगा? कि नहीं गंभीर आई का क्या थिंक कुछ इट्स फाइनलाइज हुआ है? कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं. नहीं आई मीन ऑफिशियल नहीं हुआ, ऑफिशियल नहीं हुआ, बट आई थिंक जितने भी लीक्स हो रहे हैं, जितने भी न्यूज़ न्यूज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें गंभीर को ही पॉइंट करी. एंड एंड एक्चुअली ही सेड ही हैज़ द मेंशन दिस बिगेस्ट कि पॉइंटर, स्टॉप सॉरी टू स्टॉप यू, यू से दिस, द बिगेस्ट पॉइंटर वाज विराट कोहली रिटायरिंग. द मोमेंट विराट कोहली रिटायर्ड, वी नो कि भाई गंभीर ही बन रहा है. भाई यार गंभीर ही बन रहा है. सी भाई ऐसे भी निकाल रहे मैं हो सोच रखा था पहले से ही, मैं पहले से सोच रखा था गंभीर का फोन आया था. एक्चुअली मैं सोच, असली बात यह है कि सोचा नहीं था मैंने, गंभीर का फोन आया था कि भाई मैं बन रहा हूँ कोच, तो तेरी कोई जगह नहीं है, तो रिटायर हो जा पीसफुली, नहीं तो फालतू में बेइज्जती हो जाएगी. अच्छा भाई अच्छा, हो रहा हूँ रिटायर, मैं हो रहा हूँ रिटायर, दिमाग मत खराब करो. तो इसलिए रिटायर, सॉरी नाउ गो ऑन, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट इंडिकेटर हिम रिटायरिंग. रोशा भी रिटायर, यू डोंट वांट फैट पीपल. इसीलिए रोशन जडेजा भी ने कहता कि जडेजा कोई झगड़ा हुआ था क्या गंभीर का? नहीं
नहीं आई थिंक जडेजा का तो ऐसे भी आई थिंक ही वॉज जस्ट प्लेइंग बिकॉज वी डोंट हैव ऑलराउंडर्स. आई मीन वी हैव दिस गाय. बट T20 में आई डोंट थिंक जडेजा ने कुछ ज़्यादा किया. बट अगेन कमिंग बैक टू पॉइंट, आई फील नहीं कि यूटिलाइज नहीं करा उसको. हाँ वी कैन कम हाँ बैक टू दैट लेटर ऑन, बट उसको चांस ही दोगे तो करेगा क्या वैसे भी. जब उसको आता था मतलब ही इज वैल्यू नहीं हो रही है उसकी. अदर पीपल कैन डू अ उसकी बेटर वैल्यू. जॉब. हाँ राइट राइट बिकॉज वी ऑलरेडी यूटिलाइज नहीं कर हैव रहे हो उसको. प्लस अक्षर पटेल को. पहले वॉट एवर अक्षर पटेल इज डूइंग नाउ, ही वॉज द पर्सन हु वॉज डूइंग इट रिंकू, बिफोर. वी कैन गेट रिंकू ऑल्सो ना. ही विल बी अ बेटर सिचुएशन. रिंकू कैन कम बैक एज वेल. हाँ नहीं आई प्लस थिंक वो केकेआर के लिए ही भी खेलता है ना. करेक्ट करेक्ट वो तो आएगा. बट आई आई एम थिंक जस्ट इंडिया टीम सेइंग विल कि बी केकेआर टीम. बट आई एम जस्ट सेइंग कि इन एनी केस इफ गंभीर इज बिकमिंग द कोच, आई डोंट थिंक ही विल फेवर अपना ऋषभ पंत बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी बीन वोकल अबाउट इट कि ऋषभ पंत को ऑलरेडी बहुत सारे मौके मिल चुके हैं टू प्रूव हिज वन डे नॉट सॉरी लिमिटेड ओवर गेम. इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट T20, ही इज़ टॉकिंग अबाउट वन डे ऑल्सो कि भैया यहाँ भी आप मतलब वाइड बॉल में खेल ही नहीं पा रहे हो. सो ही हैज़ बीन वोकल अबाउट इट. सो इफ ही बिकम्स द कोच गंभीर, विच सीम्स मोस्ट लाइकली राइट नाउ, अगर वो गंभीर को कोच बनाते हैं तो आई फील कि आई डोंट सी ऋषभ पंत बिकमिंग कैप्टन. आई थिंक इफ इन फैक्ट ही विल एक्चुअली लुक फॉर हिज रिप्लेसमेंट एज वेल बिकॉज विकेट कीपर बैट्समैन बहुत सारे हैं ना हमारे पास एक्सप्लोसिव. सो आई डोंट थिंक इन फैक्ट नाउ आई कैन सी दिस गाय ऑल्सो कमिंग बैक. क्या नाम है अपना जो MI का अपना हीरो जो है ईशान किशन. बिकॉज आई डोंट बिकॉज ईशान किशन हैज़ बिन लेफ्ट आउट नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिनरी इशूज एंड ऑल दैट. बट आई थिंक गंभीर विल बी मोर यू नो ऑब्जेक्टिव इन सेलेक्टिंग पीपल. सो आई थिंक ही इवन ही कैन गेट अ लुक इन. सो या आई फील कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, आई फील कि ऋषभ सॉरी हार्दिक पांड्या शुड बी द कैप्टन. ही विल बी द कैप्टन अनलेस ऑब्वियसली ही विल नॉट प्ले द होल ऑल द टूर्नामेंट्स और ऑल द मैचेस. सो देर कुड बी अ स्टैंड इन कैप्टन विच कैन बी शुभमन गिल डिपेंडिंग अपॉन हाउ इज परफॉर्मिंग. बट टी आई ट्वेंटी के फील लिए बोल रहे हैं ना, बिकॉज रोशा इज स्टिल प्लेइंग द ओडीआई एंड ओनली टी द ट्वेंटी टेस्ट या मैच. ओनली टी हाँ ट्वेंटी ओनली T20. सो या आई थिंक आई मीन टेस्ट मैच तो आई थिंक स्काई हार्दिक कैन विल बिकम अ नॉट. कैप्टन. आई वुड से स्काई वुड बी अ बेटर कैप्टन देन शुभमन गिल, बट देन अगेन द आई इट वाज लाइक यू नो हाउ मच आई केयर फॉर T20. हु केयर्स, किसी को भी बना दो यार, क्या फर्क पड़ता है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आई मीन आई डोंट नो, अनुष्का को बना दो कैप्टन, हु केयर्स. रोशा की बीवी को बना दो कैप्टन, हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता ओके सो आई थिंक ऑन दैट नोट वी केयर्ड अ लॉट टू मेक अ वन आवर है. पॉडकास्ट. सो दैट्स इनफ फॉर T20 फॉर्मेट. लेट्स सी इफ इंडिया वॉट हैपन्स नाउ. अभी अभी तो सिर्फ T20 ही है. आई मीन आई वॉज वॉचिंग आई वॉज सीइंग द स्केड्यूल. द नेक्स्ट ODI सीरीज इज जस्ट नियर द चैम्पियंस ट्रॉफी विच इज़ नेक्स्ट ईयर. उसके पहले ODIs भी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट T20s एंड टेस्ट मैचेस. सो आई थिंक अभी विराट कोहली विल बी लाइक आराम से खेलते हैं. अभी तो इतना छुट्टी उसे लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बिकॉज ही विल बी ऑलवेज ऑन छुट्टी. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एरा ऑफ T20s इन इंडिया. देर आर लॉट ऑफ एक्साइटिंग प्लेयर्स जो बैठे हुए थे कि ये लोग जाएंगे तो हम भी आएंगे खेलेंगे. सो आई थिंक दिस विल बी एन एक्साइटिंग टाइम. अकेले तो बुढ़े हो गए हैं. सैमसन इज ऑलरेडी 30 years ओल्ड, जस्ट बीन वेटिंग फॉर लास्ट 10 years फॉर दीस पीपल टू रिटायर फॉर हेल्थ सेक मैन. फाइनली दे रिटायरिंग. ठीक है, वो जडेजा तो रिटायर वेट हो रहा था ये कब रिटायर होगा भाई. धोनी वो खुद ही रिटायर हो गया. धोनी अभी भी पक्का नहीं है रिटायर हुआ है कि नहीं हुआ है T20 से, पर इतना मेरे हाल है कि जडेजा रिटायर हो गया. बट एट द एंड आई विल से दिस कि थैंक गॉड दे दिस ऑल दिस पीपल हु रिटायर्ड दे डिडंट डू इट लाइक धोनी बिकॉज धोनी बहुत दिन तक चिपका रह गया आई फील इन 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 द ODI फॉर्मेट. ही शुड हैव ऑल्सो रिटायर्ड अर्लियर. एंड सेम थिंग विथ IPL. आई मीन IPL इज़ अ डिफरेंट केस. IPL इज़ ऑल अबाउट मनी. बट आई जस्ट फील कि इफ़ यू रिटायर एट द राइट टाइम यू डोंट ब्रिंग योर लेगेसी डाउन. लाइक एटलीस्ट पीपल अभी जैसे रोहित और विराट रिटायर हो गए तो वो पिछले दो वर्ल्ड कप्स में उन्होंने जो जो भी किया है उसके बारे में कोई बात नहीं करे. दे विल ऑलवेज थिंक कि हाँ चलो ये जीते और रिटायर हो गए. बट इफ वो अगर और एक दो साल लटके रह जाते तो फिर वो लोग बिचिंग करना शुरू कर देते कि अरे ये क्या है, इनको मौका नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे. तो आई फील कि एटलीस्ट चलो थोड़े देर ही हुई बट
अनलाइक धोनी दे डिंट स्टिक अराउंड, लाइक बने रहे कि हाँ चलो खेलते हैं खेलते हैं. सो गुड. All right, fair enough. At least they're all out. We're happy. New generation will come in. Hardik Pandya, we are waiting for you to win us. I don't know. Let's wait another 17 years. Let's not wait another 17 years or 13 years, whatever the hell it was. Right. So, all right. On that note, this is me, Gav. This is Bikram. We'll see you again very Right. soon.